नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम प्रधान के चुनाव नजदीक है, इसी क्रम में हमारे संवाददाता पारस शर्मा और नईम खान ने झांसी के ग्राम राजापुर के प्रत्याशी डरूपाल जी से खास मुलाकात की है। आइए आपको उनकी खास बातचीत से अवगत कराते हैं। न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हम राजापुर में है, जो की प्रधान पद पर हमारे पाल समाज के प्रधान के चुनाव में खड़े हुए हैं। आज सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आप प्रधानी के चुनाव में सबसे पहले आप आगे आए और आपने प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। जैसा कि चुनाव गांव में आ चुकी है और सभी लोग प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप प्रधानी का चुनाव जीत जाते हैं तो किस तरह कार्यकाल रहेगा आपका? जीत जाते हैं ऐसे नाली है, कोई लाइट है, पानी की व्यवस्था करना है और रोड की है, जितनी कमी रोड नहीं मिला है कहीं क्यों है जी, समस्या पूरी करना है और खेती में पानी नहीं है उसकी सरकारी कोई बोर की समस्या करना है और हर मोहम्मा पे खेत पे लाइट की व्यवस्था करना है जी। जैसा कि देखी जाए कि आपको प्रधानी का चुनाव जो लड़ रहे हैं, क्या आपके गांव में क्या कमियां रहीं पहले अपने जो प्रधान थे? अभी लाइट की कमियां हैं पूरी जी। अभी ये जंगल में ढूर मर रहते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, खेती नहीं हो पाती है। आज आप प्रधानी के चुनाव के पद के लिए नामांकन करा है और आप खड़े हुए हैं, किस कैसा लग रहा है आपको? हमें तो ये लग रहा है कि कुछ काम नहीं हुआ है। और आप अगर चुनाव में क्या तैयारियाँ चल रही हैं और आपकी किस तरह आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट तो हमारी बहुत मदद कर रहा है आदमी, पहले भी चुनाव लड़ा हमने तो फिर भी सपोर्ट करी हर आदमी व्यक्ति ने, ऐसा नहीं कोई नहीं है, हर व्यक्ति ने। निवेदन करते हैं, बड़े निवेदन से हमें वोट दे के भारी मतों से विजयी बनाएं।